अच्छा बटन भी बंद करना है क्या? करेगा नहीं ना सही नहीं, कर लेते हैं। आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को करना नहीं था। सबसे पहले तो पापा को गुड मॉर्निंग बोल दिया जाए। गुड मॉर्निंग। कितने बजे के सोए हो? मैं कोई 3:30 में सोया था। और अभी टाइम शाम के 7:30, मतलब असली नींद मेरे को लग रहा है आज आपने पूरी करी है। नहीं, रोज पूरी स्टिल भी पूरी होती होती है भाई। भी पूरी होती होती है। और अभी हमारी यहाँ पर नंबर प्लेट की अनबॉक्सिंग होने वाली है, खोल दीजिए इसको। ये HP 780 13 13, सब कुछ तेरा ही तेरा बाबा जी, सब कुछ तेरे तेरा, तू ही दे रहे हैं। नहीं सही है ना नंबर? बाबा जी दे रहे हैं, सही बात है। नंबर क्या दिया था? हाँ नंबर मैंने उसको स्पेशल बोला था कि भाई मेरे को नंबर दिलाओ 13 13, मतलब आगे कुछ भी हो, HP हो, दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, जो मर्जी हो, लेकिन अपने को नंबर 13 13 ही चाहिए। RC भी आ गई? RC एक हफ्ते बाद आएगी। अभी नंबर प्लेट आ गई, घर जाके नंबर प्लेट लगा लेंगे, सीधा मेरे एड्रेस पे आ जाएगी। अगर वो चाहे तो उनके एड्रेस पे भी आ सकती है, और मैं चाहूँ तो मेरे एड्रेस पे भी आ सकती है। तो मैंने उनको बोला सीधा मेरे एड्रेस पे ही आ जाए। तो हमने जयपुर से ही बाइक ली थी, तो मेरे को उसका कॉल आ गया कि भाई तुम्हारी नंबर प्लेट आ चुकी है, आप जयपुर आए हो तो इसको लेते जाना। हम गए और लेके आ गए, पिछले ब्लॉग में आपने देख ही लिया होगा। अभी अपने को होना है रेडी, रेडी होके जाना है शादी में जेंटलमैन बन के, कोट पैंट एकदम बढ़िया, बाबू बच्चा होता ना, बाबू बच्चा बन के। अब नींद तो पूरी हो गई है। आज के लिए काफी है। अभी टाइम हो रहा है शाम के 7:30। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, सत्याकाल, नमस्ते, बड़ों को, प्यारी पुरा और छोटों को हेलो। तो होप करते हैं आप सब हमारी तरह बढ़िया होंगे, बढ़िया रहना। पापा का हेलो थोड़ा जोश में नहीं है, अभी भी थोड़ा नींद नींद में है, लेकिन हाँ रेडी हो जाएंगे फटाफट से। यार रेडी हो जाओ, नहाना है आपको दोबारा? पागल तू है, मैं बता, दिन में एक बार नहा ले तो वही काफी है। मैं देखता हूँ शायद मैं नहा लूँ, नहा धो के रेडी होता हूँ। हेलो, बारात आ गई है, तैयार कब हो गए? अरे भाई आ गई है बारात, शैंकी कर लेट हो गए भाई, जल्दी कर। चलो 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 चलो, आई एम रेडी। कोट तो पहनो यार, कोट पहना नहीं है। अच्छा मैं भी रह गया हूँ। हाँ आप भी रह गए, कोट पहना नहीं, मेरे को बात मार रहे। हाँ अब लग रहा है ना एकदम जेंटलमैन। अच्छा बटन भी बंद करना है क्या? करेगा नहीं ना सही नहीं, कर लेते हैं। आप कर रहे हो तो मैं कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे को करना नहीं था। सिर्फ आपके चक्कर में मैंने आके बटन बंद किया है, नहीं मजा सा नहीं आ रहा। खोल दे, खोल दे। तो ठीक है भाई, हम लोग हैं रेडी एकदम, और बताना कैसे लग रहे हैं। रेडी, अच्छा ये है डैडी और हम है रेडी। अरे वाह, ये है डैडी और हम है रेडी, और हम जा रहे हैं वेडिंग में एंजॉय करने। बस हमें को समझ नहीं आ रहा क्या बोलूं, बस ये बताना कि कैसे लग रहे हैं। स्पेशल हमने गाने बंद करवाए हैं ताकि हम अपने कैमरे में कुछ बोल पाएँ, और समझ नहीं आ रहा क्या बोले, लेकिन ठीक है। गाने उनको हमने दूर से इशारा करा, एक मिनट के लिए रोको, अपने को व्लॉग बनाना है अपना। कुछ बोलना चाहते हो? तू बोल ठीक बोल रहा है, तू जो बोल रहा है ठीक बोल। फाइनली हम अपने रूम में वापसी आ चुके हैं, टाइम हो चुका है 11:30, जल्दी वापस आ गए बिकॉज कल सुबह हमें जल्दी निकलना है। अभी हमने थोड़ी बहुत पैकिंग कर ली है, थोड़ी बहुत जो बची है रात को ही करके सोऊंगा। जल्दी क्यों निकलना है, बिकॉज कल शाम की मेरी फ्लाइट है, टाइम से निकलेंगे, टाइम से पहुँचेंगे, पहुँच के मेरे को दोबारा पैकिंग करनी है, फिर एयरपोर्ट जाना है, बहुत सारे काम है। कल फिर से होच पोच होने वाली है, अगर टाइम से निकल जाते हैं फिर तो टाइम से मैं एयरपोर्ट पहुँच जाऊँगा, अगर थोड़ा भी डिले होता है ना तो हो सकता है फ्लाइट फ्लाइट ही ना छूट जाए। इसलिए अभी सोने की तैयारी करते हैं और आपको सीधा सुबह मिलेंगे। आप चलो, गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग एवरीवन, फिर से एक नए दिन की शुरुआत हो चुकी है, और हमने सोचा था 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन वही है मैं थोड़ा उठने में लेट हो गया। पापा तो पूरे 6 बजे उठ गए थे, नहा धोके रेडी भी हो चुके हैं, मैं नहाया नहीं हूँ, मैं सीधा घर जाके नहाऊंगा। या मेरे को लग रहा है घर जाके भी नहीं नहाऊंगा, जहाँ मेरे को जाना है ना वहीं जाके नहाऊंगा। ऑलरेडी मैंने कॉल कर दिया, सामान वगैरह हमने सारा पैक कर लिया, रूम चेक कर लिया। देखो जाने से पहले रूम हमेशा चेक कर लो, कुछ ना कुछ रूम में रह जाता है, मतलब मेरे तो हमेशा कोई ना कोई वायर, कोई डेटा केबल, कुछ ना कुछ रह जाती है, लेकिन आज अच्छे से चेक कर लिया, पापा ने भी एक बार चेक कर लिया। आएंगे, सामान उठाएंगे, गाड़ी में रखेंगे और दिल्ली के लिए निकल जाएंगे। और हमने सोचा ब्रेकफास्ट हम रास्ते में ही करेंगे, वैसे तो यहाँ पर है 10 बजे तक का टाइम, लेकिन मेरी शाम की फ्लाइट छूट सकती है, इस चक्कर में रास्ते में देख लेंगे कुछ ना कुछ।
चलो भाई बाय बाय बाय। अरे मेरे को बाय नहीं कहना, जयपुर को बाय करने का टाइम है। मुझे बाय कह रहे हो? ठीक है जी, जयपुर जी बाय बाय। जयपुर जी बाय बाय। जैसे अपनी इस गाड़ी में ना ऐसा पहली बार हुआ है कि हमारा जो ये है फास्ट टैग एकदम बढ़िया चल रहा है। मतलब आते हुए 3 या 4 टोल पड़े थे, कहीं नहीं रुके, सब जगह चल रहा चलते टोल पे। ये इसका जो शीशा है ना मोटा है, तो वो आके मशीन लेके आते हैं, आगे से लगाते हैं पीछे से लगाते हैं, चलता है ठीक है, नहीं तो फिर कैश देके निकलना पड़ता है। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि सब जगह इजीली चला है। अभी टोल आ गया, अब मेरे को लग रहा है चलेगा नहीं चलेगा ये नहीं पता। अब मैंने बोल दिया तो हो सकता है ना चले। आते बताओ कोई दिक्कत हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं हुई, आराम से सीधा मशीन इसको रीड करती थी और आराम से निकल जाते थे। लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि शायद हो सकता है कुछ ना कुछ होगा। बाहर नहीं, एक्चुअली ये यहाँ की जगह यहाँ लगना चाहिए था, ये जो खाली स्पेस दी हुई है ना हमने यहाँ लगा दिया, गलती कर दी बस। क्या बात है क्या बात है, यहाँ भी चल गया। मतलब ये क्या कांच पतला हो गया या ये पापा साथ बैठे हैं इसलिए वो टोल वाले डर रहे हैं? चला दो जाने दो, बाबू जी आ गए हैं। चलो जो भी है सही है, अच्छा सा लग रहा है मेरे को। ये बता, पापा को लेके नहीं जाऊंगा ना कहीं? मतलब जैसे मैं खुद लेके निकलता हूँ गाड़ी तो ये टैग नहीं चलता, और वैसे मतलब सब जगह चल रहा है अच्छा है। थैंक यू। ये आगे ट्रक देख रहे हो, मित्र सिंह, नवीन, बबलू यादव और कल्याणपुरा बहरोड। हाँ मतलब ऐसे ट्रक देख के ना अच्छा लगता है, नीचे बीच में ना जगह खाली है थोड़ी। वहाँ भी देख दो नाम लिख देता। मैं मतलब काफी गाड़ियां देखता हूँ, पापा कह रहे वहाँ भी नाम लिख देता, बीवी का, बच्चों का। मतलब ऐसी गाड़ियां देख के ना अच्छा सा लगता है। कई कार पे भी होता है मतलब बच्चों के नाम लिखे होते हैं, पूरे पूरे फैमिली के नाम लिखे होते हैं। लेकिन ये लिखते क्यों है मेरे को ये समझ में नहीं आता। मतलब किसको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ मित्र सिंह, नवीन कौन है, बबलू यादव कौन है भाई? बच्चे दिल में रहते हैं बच्चे। हाँ वही तो है, फैमिली जो है वो दिल में रहती है, तो गाड़ी पे लिखने से क्या होगा? मतलब क्या दिखाना चाह रहे हैं? अगर किसी को पता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना जरूर। बाकी अभी हम ये खेतों के रास्ते से जा रहे हैं, रास्ता बंद था तो गूगल मैप ने यहाँ दिखाया। आधा घंटा हम पीछे जाम में खड़े रहे और अभी 1 घंटा हो गया हम यहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। ट्रक ही ट्रक है, ट्रक ही ट्रक। तो यहाँ बारात जा रही है, बारात सिंह देख रहे हो आप कितने बड़े बड़े हैं। हेलो सिंह मारेगी गाड़ी टेंट पड़ जाएगा भाई। अरे नहीं मारेगी सिंह, ऐसे थोड़ी मार देती है। जब हम परेशान नहीं करेंगे किसी को तो कोई हमें क्यों परेशान करेगा। हेलो भैया कितनी गाय हैं ये? हाँ 200। कितने बंदे संभालते हैं इसको? कितने बंदे संभालते हैं? 5। ओके 200 गाय हैं भाई साहब, 200। शनि बाजार की याद आ गई मेरे को तो भाई साहब। मुझे लग नहीं रहा आज मैं फ़्लाइट ले पाऊंगा, वैसे तो 6 बजे की है लेकिन 4 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना है, ड्रोन वगैरह भी लेके जाना है, चेकिंग में टाइम लगेगा और घर ही मैं 3-4 बजे पहुंचूंगा, पैकिंग अप करूंगा, कब पहुंचूंगा वाट लगने वाली। और बहुत तगड़ा जाम है यार, बहुत तगड़ा। जब वहाँ से निकले थे दिखा रहा था वही 12:15 पहुँच जाएंगे, अभी यहाँ पर 1:15 हो गया है और जाम तो गाड़ी चलाते चलाते भूख लगी, खा लो बेटा नोट मूंगफली पराठा। अभी यहाँ से 1.5 घंटे का रास्ता रहता है, टाइम ऑलरेडी कितना हो गया भाई मोबाइल में को देख रहा हूँ, जब घड़ी पहनी हुई है तो 11:15 हो चुके हैं और 1:30 बजे तक घर पहुँच जाएंगे। 2 घंटे मेरे को मिलेंगे पैकिंग करने के लिए। इस बार गाड़ी हमने स्पीड में भी चलाई और हमारी गाड़ी ने एवरेज भी सही निकाली है। अराउंड हमारा अगर यहाँ से रह गया 60-70 किलोमीटर जयपुर गए, जयपुर से वापसी आ गए, टैंक फुल करा के गए थे, अभी टैंक फुल दोबारा करवा रहे हैं। टैंक फुल कितने होता है? टैंक फुल इसका 4500 रुपये, 4500-4800 के बीच में। और रस्ते में हमें घूमते घूमते बहुत सारे सब्सक्राइबर, बहुत सारे फैमिली मेम्बर मिलते हैं, कुछ कहते हैं हमसे, रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें भी वीडियो में डाल दो। लेकिन कैमरा जब साथ होता है तो हम तो बिना कहे डाल देते हैं, लेकिन कभी कभार कैमरा गाड़ी में पड़ा होता है, कभी यहाँ वहाँ होता है। लेकिन अच्छा सा लगता है मतलब अननोन प्लेसेस पे, जैसे अभी यहाँ रोटी खा रहे थे पूरी फैमिली मिली, सारे वीडियो देखते थे, अभी शादी पे गए थे वहाँ पर इतने सारे बंदे मिले, एक अच्छा सा लगता है कि हाँ यार इतने सारे बंदे हमारी वीडियो देखते हैं। बस ऐसे ही प्यार देते रहना और कुछ नहीं चाहिए, बस प्यार दो, प्यार पैसे तो हम खुद ही कमा लेंगे।
ये मेट्रो लाइन और ये ऊपर देख रहे हो कैमरे लगे हुए हैं, तो ये देख के तो आपको समझ आ गया होगा, और साथ में ये मास्क कि हम दिल्ली में एंटर हो चुके हैं। थोड़ा लेट हो गए हैं बिकॉज अभी गुड़गांव में एक घंटे का जाम मिला। मेरे को लग रहा है शायद किस्मत ही ऐसी है, भगवान कह रहे हैं तू लेट होगा, भागते हुए तेरी जिंदगी निकलेगी, या भाग फटाफट से घर जाते पैकिंग करूंगा, कैब बुलाऊंगा, निकल जाऊंगा। क्या टाइम हो गया पापा? एक पाँच हो गए ना, और आधा घंटा यहाँ से घर पहुँचने में लगेगा। डेढ़ बजे पहुँचूंगा, नहाऊंगा धोऊंगा, फ्रेश होऊंगा, दो बज जाएंगे, तीन बजे तक पैकिंग होगी और तीन बजे निकलना ही पड़ेगा। चार बजे तक एयरपोर्ट पहुँचेंगे और छः बजे उड़ जाएंगे। ओ आंटी जी राम राम, कैसे हो? सब बढ़िया, मौज खैरियत, होम स्वीट होम। अच्छे से हम लोग घर पहुंच चुके हैं। अभी मेरे को ये वाला सूटकेस खाली करना है, जो नेक्स्ट ट्रिप के लिए जा रहा हूँ उसके कपड़े निकालने हैं, इसी में पैक करूंगा। इतनी ज़्यादा गर्मी है ना बाहर, मैं आपको क्या बताऊँ, गाड़ियों के एसी भी फेल होने लग गए हैं। आते सबसे पहले मैंने एसी चलाया। अभी आप लोग सोचोगे जब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो ये क्यों पहना हुआ, देखो शायद अभी तक मैंने वीडियोज़ में नहीं बताया, पहली बार बता रहा हूँ कि मेरे को ना धूप से एलर्जी है, मतलब मेरी बॉडी में ना खारिश होने लग जाती है। अगर आधा घंटा मैं धूप में खड़ा रहूँ ना और जोन सा बॉडी पार्ट कवर नहीं होता वहाँ मेरे को खारिश होने लग जाती है, चाहे वो हाथ हो चाहे वो फेस हो, इसलिए मैं ये मतलब पहन के रखता हूँ। और बहुत सारी दवाइयाँ वगैरह भी खाई हैं, बहुत जगह दिखाया भी है, लेकिन इसका अभी तक कुछ पता नहीं लगा। कोई कहता है विटामिन की कमी है, कोई कहता है किसी चीज़ की कमी है, बहुत सारी दवाइयाँ ये वो तेल शेल सब कुछ लगा ली लेकिन फ़र्क नहीं पड़ रहा। और ये चीज़ ना मेरे को बड़ी वो लगती है कि हाँ यार, मतलब कहीं ट्रैवल कर रहा हूँ मेरे को सारी चीज़ें कवर करके चलना पड़ता है। धूप में अगर शाम है मौसम सही है फिर कोई दिक्कत नहीं होती, जब बहुत धूप होती है ना चुभने वाली उसमें मेरे को ये चीज़ होती है। मतलब अपनी लाइफ ही यही है यार, ट्रैवल करना कभी यहाँ कभी वहाँ, और मेरे साथ ही ये चीज़ है। फिर भी मैंने अभी एक दो डॉक्टर और बड़े हैं उनसे कंसल्ट किया है, कुछ दवाइयाँ चल रही है, अगर ठीक हो जाता है इन फ्यूचर तो ठीक है, नहीं तो अगर आपकी फैमिली में कोई बड़ा डॉक्टर हो तो मेरे को मेल वेल करना यार, दिखा देंगे, मतलब ये चीज़ ठीक हो जाना। तो बस उस बंदे का मैं दिल से थैंक्स कहूँगा, पैसे तो जो लगेंगे लगेंगे लेकिन मतलब दिल से उस बंदे को याद रखूँगा, दिल से शुक्रिया रहेगा। बाकी ठीक है, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, अभी नहाना भी है, दोबारा रेडी भी होना है और निकलना भी है। होप करते हैं आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी, यहाँ तक देख ले तो लाइक करें बिना बिल्कुल नहीं जाना। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब करना, कमेंट करके बताना वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा। मिलते हैं ऐसे किसी बड़े से वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बनाई से बाय बाय बाय। और ये तीन चार जो वीडियो थी, ये तीन दिन की जो सीरीज थी पापा के साथ गया, सच्ची कह रहा हूँ यार, मतलब बहुत ज़्यादा मन था पापा के साथ कहीं ट्रैवल करने का। ये तीन दिन मेरे कहते हैं ना लाइफ के कुछ बेस्ट पार्ट होते हैं, कि हाँ मतलब कुछ पल होते हैं आपकी लाइफ में भी होंगे, सबकी लाइफ में होते हैं, तो ये पल भी ना उनमें जुड़ चुके हैं। और बस ऐसे ही आगे ट्रैवल करते रहेंगे, घूमते रहेंगे, आपको घुमाते रहेंगे। चलिए बाय बाय। वाली जीत भले आ जाए मौत, अब हुआ कामयाब ना बचा किसी का खौफ, अब शोहरत पाली मैंने दौलत पाली, पापा की छाती चौड़ी के सामने टिकेगा कौन।